हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करें। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। इंडिया का प्रोग्राम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसके अंदर आपको कौन कौन से स्टेटमेंट याद रखिए करेक्ट बताने हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि 2018 की है, वो ये कहती है कि हम पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे वो 20% तक कर देंगे 2025 तक। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है आपको बताना है। द कॉस्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ हायर इन कंपैरिजन टू द अदर ग्लोबल प्लेयर्स। इंडिया के अंदर इथेनॉल के प्रोडक्शन की कॉस्ट और कंट्रीज़ की तुलना में आपको बताना है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़्यादा है, तो आपको बताना है सही है या गलत है। तीसरा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टरीज इन इंडिया। तो क्या इथेनॉल प्रोडक्शन डिस्टरीज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है? तो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा, हिंदी में भी सेम चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, सोल्व कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी बायोफ्यूल की पॉलिसी दी है 2018 की, इसके हिसाब से 20% मिलाना है। जी हाँ, बिल्कुल मिलाना है, लेकिन 2025 तक नहीं मिलाना, 2030 तक मिलाना है, याद रखिएगा। दूसरा, इथेनॉल के प्रोडक्शन की कॉस्ट इंडिया के अंदर हायर है, याद रखिए इस चीज़ को, हायर है। यूएसए वगैरह में सभी जगह इथेनॉल का प्रोडक्शन सस्ते दामों में हो जाता है, इंडिया के अंदर ज़्यादा दामों में होगा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया गया है नोडल एजेंसी? जी हाँ, बिल्कुल बनाया गया है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है, पहला स्टेटमेंट गलत है, याद रखिए। तो सेम क्वेश्चन हिंदी भाषा में यहाँ है, ये सब नीति आयोग का रोड मैप है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए इस पर क्वेश्चन बनाना ही चाहता था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग्स ही आ रही है कि इस पर आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।